हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। और उसके पति का जो जन्म हुआ उसी राजा के यहाँ हुआ, लेकिन मनुष्य शरीर में नहीं हुआ, कौन हाथी जोनी में चला गया, वह हाथी बन गया, राजा का हाथी। लेकिन पहले जन्म का जो पति पत्नी का संबंध था, इस जन्म में भी दोनों को ज्ञात था कि हाथी भी जानता था ये जो राजकुमारी है ना, ये अगले जन्म की हमारी पत्नी थी, और पत्नी भी राजकुमारी भी जानती थी ये हथियार जो है ना हमारे पहले जन्म के पति थे, तो इसलिए दोनों में बड़ा परस्पर प्रेम था। राजकुमारी अपने हाथों से खिलाती पिलाती थी राजा हाथी को, हाथी भी सूरवीर था, बहुत मानता था, तो इस तरह से दोनों में बड़ा प्रेम। उसके बाद राजकुमारी जो है सयानी हो गई, अब सयानी हो गई तो राजा को चिंता हो गई, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, स्वयंवर होना चाहिए, तो मंत्री से कहा कि जाओ देश विदेश में ढिंढोरा पिटवा दो कि राजा महाराजा आएंगे, जिसके गले में वरमाला पहना देगी उसके साथ शादी हो जाएगी, जाके ढिंढोरा पिटवा दिया। अब ऐलान जो यह हुआ, अब तो जैसे हाथी भी सुना, तो हाथी जैसे सुना तो वह नाराज हो गया, कहा के लिए खाएगा पिएगा, पूरा उदास हो गया, लेटा हुआ है। अब राजा ने देखा रे क्या हो गया हाथी को, खाता पीता क्यों नहीं है, क्या हो गया, लोगों से कहा हाथी को मनाओ इनाम देंगे, बहुत लोग कोशिश किया लेकिन हाथी नहीं माना। तब जाके राजकुमारी कहती है कि पिताजी यह काम हमको दे दिया, हम करेंगे, कहे ठीक है करो। तो राजकुमारी क्या करती है, अपने हाथों में खाने पीने की सामग्री ले लेती है और हाथी के आगे में रखते हुए और उसके कान में धीरे धीरे कहती है, क्या हाथी राम क्यों नहीं खाते हैं आप, क्यों नाराज हो गए हैं, अरे खाइए पीजिए, किस बात की चिंता है, वो लगता है आपको जो है ना इसी बात की चिंता है कि अब तो हमारी शादी हो जाएगी और हम दूसरे घर चले जाएंगे तो आपकी सेवा सुरसा कौन करेगी, यही बात की चिंता है ना, आप चिंता मत करिए, मैं आपको वचन देती हूँ मैं दूसरे के साथ शादी नहीं करूँगी, दूसरे घर नहीं जाऊँगी, जब भी शादी करूँगी तो आप ही के साथ, आप खाइए पीजिए, जैसे सुना तो हाथी है खुश हो गया एकदम, खाने पीने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, वह ऐलान तो कर चुका था, तो राजा महाराजा तो आधम के, तो स्वयंवर तो होना ही है। अब राजकुमारी वरमाला लेकर के घूमती है सब राजा के आगे से, लेकिन किसी को वरमाला नहीं पहना हुआ, और जाकर के वह जो हथियार जोड़ा था ना हाथी को ही वरमाला पहना दी, अब तो हल्ला हो गया, राजकुमारी पागल हो गई, पागल हो गई, देखो हाथी से शादी कर ली। लेकिन उसी समय जो है नारद बाबा बिना बजाते हुए आधम के, और नारद बाबा कहते हैं हाथीराम से, क्या हाथीराम पहले जन्म में मैं आपको कितना समझाया था, कब दीक्षा लीजिए भजन कीजिए कल्याण होगा, लेकिन उस जन्म में पहले जन्म में एक भी बात नहीं मानी हमारी, लेकिन परिणाम देखिए क्या हुआ, आप हाथी बन गए हैं, भजन नहीं किए थे, लेकिन आपकी पत्नी भजन करती थी तो राजकुमारी बनी हुई है, हाँ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप तैयार हो जाए दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लीजिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। तब तो वह समझ चुका था, समझ आ गई थी, कहा ठीक है ले लेंगे। तब राज जो है नारद बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं और जल को मंत्र उच्चारण करके हाथी पर छीट देते हैं, हाथी एक सुंदर राजकुमार बन गया, अब तो राजकुमार और राजकुमारी, दोनों को राजा धूमधाम से शादी कर दिए और राजगद्दी पर बिठा दिए, अपने चले गए जंगल भजन करने के लिए। तो कहने का मतलब यह कहानी
हम लोगों को भी यह दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दीक्षा लेकर के भजन भेद लेकर के भजन करना चाहिए। यदि नीच योनि में नहीं जाना चाहते हैं तो, यदि जाना चाहते हैं तब तो फिर नहीं करिए भजन। गाय बैल कुत्ता बिल्ली बनना है नहीं करिए भजन। यह विधि का विधान है, कोई बचा नहीं सकता है। भजन नहीं करेंगे तो नीच योनि में जाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो महाभय से आप बचेंगे। जो भजन करते हैं उसका उद्धार होता है, उद्धार का कर्म करके वो जाते हैं। कहते हैं सोना जंग न लगे लोहा घुन नहीं खा, गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए, कभी नरक नहीं जाता है। जो गुरु से एक बार चेत जाते दीक्षा लेकर के भजन करते हैं नरक नहीं जाएगा निश्चित रूप से। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानि सित्वा सरस्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भाई जायते। कहते हैं यदि कोई ध्यान भजन करते करते गिर गया माया में, कुकर्म हो गया, नहीं होता तब तो वह नरक चला जाएगा क्योंकि कुकर्म हो गया, लेकिन तब भी वह नहीं जाएगा। जो भजन करने वाले हैं यदि गिर गया तब भी नहीं, उसकी अधोगति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन, हे प्रभु जैसे कि आकाश में काला काला बादल लगा हुआ है, अचानक आंधी तूफान आ गया, उस आंधी तूफान के कारण से वह बादल छिटफुट बीच में ही नष्ट हो जाता है ना, क्या उसी प्रकार प्रभु कोई ध्यान भजन कर रहा है, ध्यान भजन करते करते माया का ब्यार लगा गिर गया, तब तो वह अधोगति में चला जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, नहीं नहीं अर्जुन, क्या इस लोक में क्या परलोक में ऐसे पुरुष की कभी दुर्गति होती ही नहीं है, तब फिर क्या होता है प्रभु। कहते हैं ऐसे पुरुष जो है, योग भ्रष्ट पुरुष जो है, उसका जन्म होता है, फिर शरीर छूटता है, शरीर छूटने के बाद फिर जन्म होता है, पुनर्जन्म, और जन्म होता है किसके यहाँ जन्म होगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा, जो धनवान कुल में। हाँ, कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ का अभाव नहीं, कंगला के यहाँ नहीं जन्म लेगा, आज खाता है तो कल झकता है, सो बात नहीं, दरिद्र के यहाँ नहीं, श्रीमान कुल में। और वो श्रीमान कौन, इन्हें के साकट है मांस मछली खाने वाला, सो बात नहीं, जोगी कुल में अथवा सत्संगी कुल में जन्म लेगा। ऐसे कुल में जन्म लिया और उसका तो भक्ति बीज है ही है पहले से, और फिर भक्ति संस्कार जग जाएगा और फिर वह ध्यान भजन करने लग जाएगा। बार बार जन्म होगा मनुष्य शरीर में, और इस तरह से एक न एक दिन में वो परमात्मा को पालेगा। यह मनुष्य शरीर जो मिला है हम लोगों को भक्ति करने के लिए, यह नहीं कि यह शरीर मिला है नर, कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्पंथ दुखदाई, यह विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। पांच विषय है संसार में, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही पांच सुख है, इसी में लोग लिप्त रहते हैं, विलासिता जीवन जीते हैं। तो जो विषय में लंपट रहेंगे, विषय लंपट रहेंगे, भोग करते रहेंगे, तब उसे जोग नहीं होगा, जोग नहीं होगा, एक एक काम करना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, कुछ राहत दिए कि मित भोगी बनिए, अल्प भोगी बनिए, जैसे खाना पीना यह जो है यह भी तो भोगे है ना, खाना पीना यह भी तो भोगे है, बिना खाए पिए तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो भोग भोगना भी जरूरी है। लेकिन मित भोगी बनिए, अल्प भोगी, इसी ने उस इस यह नहीं कि उसी में गर्त हो जाए, दिन रात भोगते रहिए, तब तो बेरा पार नहीं होगा आपका। भोग कीजिए लेकिन कुछ जोग भी कीजिए, समय निकाल निकाल के जोग कीजिए। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। और भोग को जो है ना, विषय भोग को दवाई रूप में सेवन कीजिए। दवाई जैसे हम लोग कोई रोग होता है तो दवाई खाते हैं ना,
डॉक्टर के पास से लाए दवाई, तो 5 दिन का खुराक दिया कि 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट दोपहर शाम खाइएगा, 5 दिन खाइएगा रोग छूट जाएगा।